फिल्म पद्मावती में किरदार निभा रहे सारे किरदारों की चर्चा अभी जोरों पर है। संजय लीला भंसाली ने फिल्म में राजा रतन सिंह का किरदार निभाने के लिए शाहिद कपूर को चुना है। वही राजा रतन सिंह जिनका नाम इतिहास के पन्नों में पद्मावती के पति के नाम के तौर पर दर्ज है। लेकिन सवाल ये कि हम राजा रतन सिंह के बारे में कितना जानते हैं। मेवाड़ के राजा रतन सिंह गुहिल वंश की रावल शाखा से ताल्लुक रखते थे, जो अपनी शाखा के अंतिम शासक रहे। इतिहास गवाह है कि अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। रतन सिंह ने स्वयंवर में एक के बाद एक धुरंधर को हरा कर रानी पद्मावती से शादी की थी। इसी के साथ रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच टकराव की भी कई कहानियां हैं। इतिहासकार इस कहानी पर बटे हुए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अलाउद्दीन ने रतन सिंह को बंधक बना लिया था। रतन सिंह को पता था कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कर सकता है, इसीलिए उन्होंने रानी पद्मावती को तैयार किया था ताकि वो किसी तरह अलाउद्दीन को दर्शन दे। रतन सिंह अंत में अलाउद्दीन खिलजी से हार जाते हैं। घोर युद्ध के बीच में राजा रतन सिंह के सैनिक टिक नहीं सके। उनकी हार तय तो पहले हो गई थी, बावजूद इसके सैनिक अंत तक टिके रहे। इतिहास में जिक्र है कि 1310 में महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन खिलजी ने ताकत बढ़ाने के फिराक में चित्तौड़ पर हमला बोल दिया था। वैसे इसके पीछे के कारणों को राजनीतिक वजह माना गया है।